कारगिल विजय दिवस की शौर्य गाथा। 6000 से 18000 फीट तक की ऊंचाई का कठिन सफर, दोनों ओर से दुश्मन की नजर। हमारे सैनिक भारत माँ की जीत के लिए, बलिदान के लिए थे तैयार। सर्दियों में जब बर्फ जमी रहती है, तब हमारे सैनिकों का खून उबल रहा होता है। कारगिल विजय में अपनी शहादत देने वालों को सलाम। मैं कारगिल हूँ, वो कारगिल जो सिर्फ एक शब्द नहीं, जगह नहीं, पूरे देश की भावना हूँ। मैंने वीरता देखी है, भारत माँ के सपूतों का बलिदान भी। मेरे दोनों तरफ इस धरती के दुश्मन बैठे हैं, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। दोनों चाहते थे कैसे मौका मिले और ये मुझ पर अपने झंडे गाड़ दें। काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन 1999 में दुश्मनों की चिता जलाई हमारे सेना के चीतों ने। आज मैं 1999 के जंग की कहानी अपनी उन चोटियों की जुबानी सुनाऊंगा। मेरे कंधे और सिर पर बैठकर घुसपैठियों ने जंग शुरू तो मई में की थी, पर मैं देख रहा था कि कैसे फरवरी से ही तैयारी शुरू कर दी थी उन कायरों ने। कायर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छिप कर रहे थे। फरवरी में उनकी फौज की 4 से 7 बटालियन भारत सीमा पार करके मेरी तरफ आई थी। इसमें पाकिस्तानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लड़ाके थे। मेरी चोटियों पर करीब 132 ऊंचे पॉइंट पर बेस बनाया। सर्दियों में जब बर्फ जमी रहती थी, इन पाकिस्तानी घुसपैठियों को कश्मीरी गुरिल्ला और अफगान के कातिलों का भी साथ मिला था। लेकिन ज़्यादातर घुसपैठ अप्रैल में हुई, जब थोड़ी बर्फ पिघली, घुसपैठिया निचली मुस्को घाटी और द्रास के मारपुला रजलाइन की दूसरी तरफ से आए, कुछ कारगिल के पास मौजूद ककसर से आए, फिर बटालिक सेक्टर के पूर्व सिंधु नदी के दूसरी तरफ से, उत्तर की तरफ सीमा के उस पार चोरबटला सेक्टर से आए। इसके अलावा सियाचिन इलाके के दक्षिण में तुरतुक सेक्टर से आए। इन सब की आमद रफ्त में देख रहा था। मेरी ऊंचाई कम नहीं है, 6000 से 18000 फीट तक है, कठिन है, जानलेवा भी। सांसें थम जाती हैं, यहाँ खून नसों में जम जाता है। सर्दियों में यहाँ पाकिस्तान और भारत की सेना नहीं रहती। दोनों देशों ने यह समझौता किया था, लेकिन पाकिस्तानी आए। उस समय उनकी सेना का प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ था। उसी ने मेरी चोटियों पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन बंद्र चलाया था। मकसद था श्रीनगर लेह हाईवे को काट देना, ताकि दोनों देशों के बीच की सीमा की दिशा बदल जाए। वैसे तो मेरे पूरे फैलाव में कुल 23 चोटियां हैं। सबसे ऊंची चोटी पॉइंट 5608 18399 फीट ऊंची। सबसे ऊंची चोटी है बर्डम, करीब 14,1964 फीट। घुसपैठियों का इरादा सभी चोटियों पर कब्जा करना था, लेकिन मेरी जिन चोटियों ने जंग देखी है, अब सुनिए उनकी कहानी। तोलोलिंग की जंग। मेरी ये चोटी द्रास सेक्टर में मौजूद है, श्रीनगर ले हाईवे के ठीक सामने। तोलोलिंग पीक्स पर 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स 5140 और पॉइंट्स 4875। ये चोटियाँ तोलोलिंग चोटी के पश्चिम में हैं। यहीं पर हमारे भारतीय जवानों ने सबसे ज़्यादा सर्वोच्च बलिदान दिया। ये चोटियाँ आसान नहीं हैं, 16000 फीट ऊंची हैं, सांप जैसे रास्ते हैं यहाँ, लेकिन घुसपैठियों ने ऊपर के हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यहाँ पारा -5 से -11 तक रहता है, खुद ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। अगर साथ में हथियार हो तो और भी मुश्किल हो जाता है। ऊपर बैठे घुसपैठिए इसी का फायदा उठा रहे थे। भारतीय वीर एक एक इंच आगे बढ़ रहे थे। भारतीय सेना ने अपने 13 JAK राइफल्स, 18 गढ़वाल राइफल्स और 1 नागा को 3 तरफ से हमला करने को कहा। साथ ही आर्टिलरी फायरिंग होती रही, भारत की तरफ से गोले बरस रहे थे।
यही वो समय था जब कैप्टन विक्रम बत्रा ने हाथों से लड़ाई करके 4 घुसपैठियों को मार गिराया। इसके बाद कैप्टन एसएस जम्वाल ने आखिरी हमला बोला, 7 सगड़ उड़ाए, पाकिस्तानियों को वापस भगा दिया। मैंने देखा कि अगले कुछ दिनों में भारतीय सेना के वीर जवानों ने रॉकी और ब्लैक टूथ पर वापस कब्जा जमाया, पाकिस्तानियों को ढेर किया और भगा दिया। यहाँ पर सिपाही के असली शहीद हुए वो ब्लैक टूथ पर तिरंगा लहराने के लिए एक क्लब पर रस्सी बांध रहे थे, तभी दुश्मन की गोली से बलिदान हो गए। इसके साथ ही पॉइंट 5141 और बम्प 9 और 10 पर भारत ने फतेह हासिल की। टाइगर हिल की जंग, सबसे ज्यादा चर्चा इसी की होती आई है। टाइगर हिल श्रीनगर ले हाईवे से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। इस पर वापस तिरंगा फहराना बेहद जरूरी था, तब 192 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा ने इस पर कब्जा करने का मिशन सौंपा गया। उन्होंने ये काम 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख के जवानों को सौंपा। इनकी मदद के लिए भारतीय सेना की क्रैक टीम थी। ये टीम हाई एल्टीट्यूड वॉलफेयर स्कूल से आई थी। इसके अलावा आर्टिलरी और कॉम्बैट सपोर्ट दिया जा रहा था, क्योंकि ये चोटी 16,500 फीट ऊंची थी। टाइगर हिल पर कई दिशाओं से भारतीय सेना ने हमला बोला, साथ में वो फोर्स तोप के गोलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की मदद मिल रही थी। इससे पहले भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने टाइगर हिल पर भयानक बमबारी और मिसाइलें दागी। उस समय ये चोटी पाकिस्तान के 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कब्जे में थी। 3 जुलाई की रात 18 ग्रेनेडियर्स ने चढ़ाई शुरू की। भयानक खतरनाक मौसम था, जानलेवा चढ़ाई के साथ, लेकिन पाकिस्तान भी कम चालाक नहीं थे। वह इस टुकड़ी पर 3 तरफ से फायरिंग कर रहे थे, वो भी ऊंचाई से। तब कैप्टन सचिन निम्बलकर को एक कंपनी के साथ पीक से 100 मीटर नीचे सिक्योर करने को भेजा गया, जबकि ये बेहद ही खतरनाक था। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की घातक प्लाटून पीक से मात्र 30 मीटर नीचे थी। बोफोर्स की बमबारी का सहारा लेकर दोनों कंपनियों ने चोटी की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। उन्होंने दुश्मन को ऐसा चकमा दिया कि वो आज भी उसके बारे में सोचकर दहल जाते होंगे। उधर पाकिस्तान ने भी शेलिंग शुरू कर दी। इससे दोनों तरफ के सैनिकों की जान जा रही थी। पाकिस्तान को हराने के लिए उनकी सप्लाई लाइन तोड़ना जरूरी था। 5 जुलाई को 8 सिख बटालियन ने ये काम पूरा किया। तब जाकर 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल्स की चोटी को पूरी तरह से साफ करके तिरंगा लहराया। यहीं पर परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव घातक प्लाटून के साथ जंग में बुरी तरह जख्मी हुए थे। घुसपैठियों के सगड़ में हथगोले फेंके, उन्हें राइफल से मार डाला। 4 घुसपैठियों को मारने के बाद ऑटोमेटिक बंदूक से दूसरा सगड़ भी खत्म कर दिया। पॉइंट 4875 की जंग। कारगिल की जंग अब अंतिम दौर में थी। टाइगर हिल पर तिरंगा लहराने के बाद अगला टारगेट था पॉइंट 4875। ये मुस्को घाटी में मौजूद चोटी है। वैसे तो यहाँ पर कई खतरनाक चोटियाँ हैं, लेकिन पॉइंट 4875 से नेशनल हाईवे का 30 किलोमीटर लंबा इलाका दिखता है, यानी यहाँ से किसी भी तरफ हमला किया जा सकता है। 89 माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेडियर रमेश ककर को ये मिशन सौंपा गया। 2 कंपनियों ने फ्लैट टॉप पर पहुंचकर अलग अलग दिशाओं से दुश्मन पर हमला किया। मीडियम मशीन गन की मदद से ताबड़तोड़ फायरिंग की। यहां पर कैप्टन विक्रम बत्रा कमांड में थे। इसके बाद कैप्टन बत्रा ने 5 घुसपैठियों को आमने सामने की लड़ाई और हाथ की लड़ाई में मार गिराया, लेकिन खुद भी शहीद हो गए, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा खलुबार, चोरबाट, ला कुकरथांग, जुबार जैसे पॉइंट्स पर भी छोटी जंगें हुई। ये सभी चोटियां
बटालिक सेक्टर में है। यहाँ पर मेजर सोनम बांगचुक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहीं से मेरे ऊपर हुए कब्जे की कहानी खत्म होती है, लेकिन भारत के वीरों के खून से सनी मेरी चोटियाँ हमेशा इस बात पर गर्व करती रहेंगी कि भारतीय सेना है तो देश हिफाजत में है।